मैं डिसेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर बिल 2019 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ। सभापति जी, इससे पहले कि मैं बिल के प्रोविजंस पर बोलूं, मैं अपनी ओर से तथा शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए समस्त लोगों की ओर से और इस विधेयक से जिन लोगों को लाभ होने वाला है उन लोगों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मानव संसाधन मंत्री जी श्री रमेश पोखरियाल जी का और तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस विधेयक को लेकर के आने से एक बार पुनः ये साबित हो गया है कि हमारी सरकार देश के सामान्य मानवीय पिछड़ों और शोषित वंचित लोगों के साथ न केवल खड़ी है बल्कि वे जो खुद की लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हैं उनके लिए इस आधुनिक युग में उनकी तलवार भी है और उनकी ढाल भी है। अध्यक्ष महोदय, हमारा एक संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है और जिसकी एक प्रति मैं अपने साथ लेकर के आया हूं। ये संविधान है तो आप हैं, ये संविधान है तो मैं हूं, ये संविधान है तो ये सदन है, ये संविधान है तो ये गौरवशाली न्यायपालिका है और ये सारी व्यवस्थाएं। इस संविधान से बाहर निकल करके किसी को कोई कार्य करने की इजाजत नहीं है। ये संविधान कहता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण होगा, आरक्षण आवश्यक है तो आरक्षण आवश्यक है और आरक्षण होना चाहिए। सभापति जी, हमारे संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि 10% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, 27% ओबीसी के लिए, 15% अनुसूचित जाति के लिए, 7.5% एसटी के लिए आरक्षण होगा। और भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी अपनी जान लगा देगी पर संविधान का मान कम नहीं होने देगी। और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मैं इस सदन को बताता चलूं कि जब मैं दूसरी बार चुनाव जीत करके 4.5 लाख वोट से इस सदन में आया हूं, तो किसी धर्म विशेष या जाति विशेष का वोट लेकर के नहीं आया हूं, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की आस्था जो इन तबके के लोगों ने उनमें व्यक्त की है के चलते मैं इस सदन में आया हूं। और हमारे जैसे अनेक भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस सदन में आए हैं, उक्त परिस्थिति में कमजोर रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, ओबीसी के लिए अथवा एससी और ट्राइबल वर्ग के लोगों की आस्था को ये सरकार टूटने नहीं देगी और ये विधेयक उसी की कटिबद्धता का परिणाम है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये देश को समझने और समझाने की जरूरत है कि इस विधेयक को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये समझना होगा कि ये तूफान से कश्ती सही सलामत लेकर के आने जैसी बात है। और हमारे विपक्ष के साथी आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी बहुत सारी बातें रख रहे थे अपने भाषण के क्रम में, उन बातों का जवाब मैं अपने भाषण के क्रम में दूंगा। अभी सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 7 अप्रैल 2017 को, जिसका जिक्र आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी ने भी किया, कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का एक जजमेंट आता है, उस जजमेंट की मैं एक प्रति लेकर के आया हूं।
जिसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को यूनिट मान करके शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती की बात को उचित नहीं ठहराया गया है। और इसके बाद जब जजमेंट यूजीसी के पास आता है तो यूजीसी के द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है और उस कमेटी की ये अनुशंसा होती है कि यूजीसी गाइडलाइंस 2006 के क्लॉज 6C और क्लॉज 8A5 में संशोधन किए। क्लॉज 6C कहता है कि इन केस ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC ST ऑल यूनिवर्सिटीज deemed to be universities, college and other granting aid institution and centers shall prepare the roster system, keeping the department subject as a unit for all levels of teachers as applicable. इसी प्रकार क्लॉज 8A5 कहता है कि the roster department wise shall be applied to the total number of posts in each of the categories, professor, associate professor, assistant professor, within the department oblique subject. इसके बाद UGC के द्वारा एक आदेश निकाला जाता है जिसका जिक्र आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी कर रहे थे, 13-point roster system, कि 13-point roster system का अनुसरण करके उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, न कि 200-point roster system के आधार। अब समझते हैं कि ये 13-point roster system है क्या। इस 13-point roster system को यदि लागू किया जाए सभापति महोदय, तो हमारे ट्राइबल भाई को कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यदि 14-point roster system को लागू किया जाए तो पहली, दूसरी और तीसरी सीट अनरिजर्व कैटेगरी को जाएगी, चौथी सीट OBC को जाएगी, पांचवी छठी सीट अनरिजर्व कैटेगरी को जाएगी, सातवीं सीट SC को जाएगी, आठवीं सीट OBC को जाएगी, नौवीं दसवीं ग्यारहवीं सीट अनरिजर्व होगी, बारहवीं सीट OBC को जाएगी, तेरहवीं सीट अनरिजर्व होगी और चौदहवीं सीट पर शेड्यूल टाइप का उम्मीदवार होगा। ये इसको जोड़ेंगे तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में 9, OBC कैटेगरी में 3, SC कैटेगरी में 1 और ST कैटेगरी में 1 सीट मिलनी चाहिए। सुनने में तो ठीक लगता है, पर देश के बुद्धिजीवियों और उच्च पद पर बैठे लोगों ने ये सोचना छोड़ दिया कि देश भर में कितने ऐसे डिपार्टमेंट हैं, कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर 14 सीटें खाली होंगी या 14 सीटें उपलब्ध होंगी। उपरोक्त परिस्थिति में यदि इस 13-point roster के तहत कार्रवाई की जाती है तो, और 13-point रहता है तो हमारे ट्राइबल भाई को कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह से यदि केवल 6 सीटें रहती हैं तो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई को कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार यदि केवल 3 सीट हुई तो OBC के भाई को कभी आरक्षण का लाभ यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। यदि इसको दूसरे शब्दों में कहें तो डिपार्टमेंट को यूनिट मान करके 13-point रोस्टर के आधार पर शिक्षक संवर्ग में सीधी नियुक्ति की जाए तो नतीजा ये होगा अध्यक्ष महोदय कि डिपार्टमेंट में यदि 3 या उससे कम पोस्ट हुए तो कॉलेज में कोई भी सीट रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कभी नहीं मिलती। BHU का एक आंकड़ा मैं देना चाहूंगा। BHU के आंकड़े के अनुसार यदि 13-point रोस्टर के हिसाब से नियुक्ति होगी तो OBC को 30% सीटों का घाटा होगा, SC को 50% सीटों का घाटा होगा, ST को 80% सीटों का घाटा होगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 20% सीटों का घाटा होगा। यही नहीं, देश के 9 में से 6 यूनिवर्सिटी में इसकी वजह से 90%
आरक्षित वैकेंसी अनारक्षित कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी। यूजीसी का जो नया सर्कुलर 5 मार्च 2018 को निर्गत हुआ, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब ने सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला। तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ने 65 पोस्टों के लिए विज्ञापन निकाला, राजस्थान ने 33 पोस्टों के लिए विज्ञापन निकाला और पंजाब ने 7 सीटों के लिए विज्ञापन निकाला। पर इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी और ध्यान देने की बात यह है कि उसमें एससी एसटी को एक भी सीट के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई थी। यहीं यदि पुराने 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के हिसाब से विज्ञापन निकाला जाता तो तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एससी के लिए 12 सीटें होती, एसटी के लिए 8 सीटें रहती और पंजाब यूनिवर्सिटी में एससी के लिए 13 सीटें होती और एसटी के लिए 10 सीटें होती और राजस्थान में 0 रहती। इसका कारण यही है जो हमारे मंत्री जी ने भी और अधीर रंजन चौधरी जी ने भी बताया कि 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम में कॉलेज और विश्वविद्यालय को एक यूनिट समझा जाता है। 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के लागू होने से आरक्षित श्रेणी के लोगों को निर्धारण आरक्षण संविधान के हिसाब से मिल जाता है। इस सिस्टम के अनुसार 99 पोस्ट एससी एसटी तथा ओबीसी के लिए आरक्षित होते हैं। इतना ही नहीं, इस सिस्टम में यदि किसी डिपार्टमेंट में रिजर्व सीट की कमी होती है तो उस कमी को दूसरे डिपार्टमेंट से जहां रिजर्व कम्युनिटीज के ज्यादा लोग हैं इस कमी को दूर किया जा सकता है। अब ये 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम कौन लाया, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, इन सारे विषयों पर चर्चा करके मैं सदन का वक्त खराब नहीं करना चाहता, पर यह अवश्य बताना चाहता हूं कि इस विधेयक के पारित हो जाने के उपरांत तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में जहां 7,000 से ज्यादा रिक्त पद पड़े हुए हैं उन पर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही कमजोर वर्ग के शिक्षकों को जो बहुत पुरानी लंबित मांग है कि विश्वविद्यालय कॉलेज को यूनिट मान करके बहाली की जाए, वो मांग भी पूरी हो जाएगी। इसके जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण भी सुनिश्चित हो जाएगा। इतना ही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं उसका अनुपालना भी सुनिश्चित हो जाएगा। इसके अलावा सीधी भर्ती से सभी वर्गों का सामान्य प्रतिनिधित्व मिलेगा और शिक्षकों द्वारा पढ़ाने के मानदंडों में भी सुधार होगा। सभापति महोदय, इस विधेयक के खंड 3 में यह उपबंध है कि पदों में आरक्षण का विस्तार और रीति केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी तथा पदों के प्रयोजन के लिए किसी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान को एकल इकाई के रूप में समझा जाएगा। इस प्रावधान के कारण 200 रोस्टर पर आधारित पूर्ववर्ती आरक्षित प्रणाली को कायम रखते हुए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को एक यूनिट के रूप में माना जाएगा। अब से विभाग विषय को एक यूनिट के रूप में नहीं माना जाएगा। इस उपबंध के अलावा उपबंध 4 में कुछ संस्थाओं का जिक्र किया गया है जहाँ पर यह नियम लागू नहीं होगा, उसका शेड्यूल में जिक्र है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में भी ये बातें नहीं लागू होंगी। समय समय पर
आरक्षण के प्रावधानों पर कुठाराघात होता रहा है। कभी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक्सेसिवनेस, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, और इन शब्दों के प्रयोग के साथ संविधान का जो की जो मूल भावना है उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जाता है। सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक ये भावना व्यक्त करना चाहता हूं कि आखिर आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई, और आरक्षण की यदि व्यवस्था की गई तो उस आरक्षण को लेटर और स्पिरिट में लागू होने देने में क्या कठिनाई है। सभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिस पर देश के पिछड़े शोषितों और वंचितों को ध्यान देना चाहिए। कौन लाया एसटी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018, बैकवर्ड कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा किसने दिया, किसने लाया 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विधेयक, और कौन शिक्षक संवर्ग में आरक्षण, वो भी ऑर्डिनेंस के रास्ते से लेकर आ रहा है, जब इसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने SLP खारिज कर दिया, रिव्यू पिटिशन खारिज कर दिया। ये हमारी सरकार है, ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, जो कभी भी देश हित में, जनता के हित में कड़े से कड़े कदम उठाने में कभी नहीं हिचकती है। अच्छा। चुनाव के दौरान खास करके हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी, संविधान के स्वरूप को बदल देगी। विष्णु दयाल जी, कंक्लूड करिए। सर एक मिनट में, हमारी सरकार के कृत्यों पर यदि आप नजर दौड़ाएंगे सभापति महोदय, तो पाएंगे कि हमारी सरकार ने न केवल संविधान को अक्षुण रखने का कार्य किया है, बल्कि साथ साथ समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने का भी कार्य किया है। थैंक यू। यही कारण है अध्यक्ष महोदय कि बीजेपी के सांसद जब क्षेत्र में जाते हैं तो कोई विशेष मोहल्ला या टोला नहीं ढूंढते, बल्कि क्षेत्र की सारी जनता को एक समान अपना परिवार मान करके वहां जाते हैं, और ये कल्चर भी बीजेपी की श्रेष्ठ नेतृत्व की ही देन है। कुछ लोगों ने बहुत वायदे किए, पर उन वायदों के साथ कौन चला ये फैसला भी जनता को करना है। जनता ने 2014 और 2019 में ये फैसला किया भी, और आगे भी इसी तरह का फैसला करेगी, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और इस विधेयक के रूप के पक्ष में पुरजोर अनुशंसा करता हूं।